बोल बटैया। अभी तो लेट है ना, पीछे टूलेट का गोद लगने से तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता है। हैं? अभी पीछे जब टूलेट का बोर्ड लगेगा ना बाबा, तब टूलेट का बोर्ड लगेगा तो किसी का पुरुषार्थ भी करने का मौका नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा बाबा? नहीं मिलेगा क्यों? टूलेट का बोर्ड 76 में नहीं लगा था क्या? 76 में टूलेट का बोर्ड नहीं लगा था? लगा था या नहीं लगा था? नहीं लगा था। लगा था है? अरे हाँ, नहीं पता क्यों? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? बाबा ने जब स्कूल खोला तो ये कॉलेज खोला, इसमें लक्ष्य मनुष्य जीवन का क्या दिया? क्या बनना है? नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो ये लक्ष्य है, इसका रिजल्ट पहली पहली बार कब निकला? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 में बोला तो कौन सा सन आता है? 76 आता है। तो 76 में लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ या नहीं हुआ? हैं? हुआ। तो जब ये पता लग गया कि ये अमुक अमुक आत्माएं हैं जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली हैं, तो रिजल्ट आउट हो गया ना। हैं? जिन आत्माओं ने, जिन ब्राह्मणों ने ये लक्ष्य लिया हुआ था कि हमको नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, उनका रिजल्ट जब आउट हो गया तो उनके अलावा टू लेट का बोर्ड लगा या नहीं लगा? बोलो। लग गया। तो अब तुम क्यों कह रहे हो? नहीं बाबा, कहता है अभी लेट है, अभी पुरुषार्थ करो, पीछे टू लेट का बोर्ड लगेगा तो पुरुषार्थ करने का मौका भी नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ करने से कुछ फायदा भी नहीं होगा। ऐसा अब लक्ष्मी नारायण तो बन गए 76 में, सभी तो नहीं बना ना। सभी तो नहीं बना ना है। अच्छा, सभी नहीं बना। माना जब 2018 की बात कर रहे, हाँ 2018 में 8 प्रत्यक्ष होंगे या सारी माला प्रत्यक्ष हो जाएगी? हैं? 8 ही तो प्रत्यक्ष होंगे। नई दुनिया की जो शुरुआत होगी वो कितनों से होगी? ज्यादा से होगी या थोड़े लोगों से होगी? संपूर्ण कंप्लीट आत्माओं से होगी या नीची आत्माओं से होगी? जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले होंगे वो पक्के सूर्यवंशी होंगे या कच्चे दूसरे धर्म वाले भी होंगे? पक्के सूर्यवंशी होंगे। वो कम से कम कुछ तो उनकी संख्या होगी कि नहीं होगी? जो पहली पहली पारिवारिक इकाई होगी उस पहली पारिवारिक इकाई से ही नई दुनिया की शुरुआत होगी। एक परिवार होगा या अनेक होंगे? एक ही परिवार होगा। तो कितने होंगे उसमें? 4.5 लाख का एक ही परिवार होगा, बोला ना बाबा पीछे तो। उन्हें 4.5 लाख का लक्ष्य लिया है, इसका मतलब प्रजा वर्ग में जाना क्या? नहीं बाबा, नहीं आठ माला क्या तो बोलते हैं? आठ में नहीं जाना। आठ क्या क्या बोलते हैं? नहीं बाबा, आठ माला फिर एक परिवार बनेगा और फिर 108 बनेगा। आठ आठ करके आठ, आठ की माला में कोई बनेगा? तू नहीं बनेगी? पुरुषार्थ करने से तो बन सकते हैं। बन सकते हैं ना। हाँ, तो ऐसे क्यों कोई बनेगा? हम बनेंगे। अभी जिसका नाम लक्ष्मी बनने में आउट हुआ, उससे पहले भी कोई पूछता था लक्ष्मी कौन बनेगा तो क्या कहती थी वो? ये नहीं कहती कोई बनेगा, क्या कहती थी? मैं ही बनूंगी। वो दूसरा कोई बने या ना बने, लेकिन मैं जरूर बनूंगी। तूने कोई क्यों कह दिया? नहीं बाबा, ऐसा 4.5 लाख का परिवार एक होगा, लेकिन पहले 8 माला का परिवार एक होगा, फिर 100 माला होगा ना? होगा। हाँ, तो उसमें आ सकती है ना।
है? पुरुषार्थ करने से तो जो भी आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है ना। हाँ तो टू लेट का बोर्ड तेरे लिए तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब नहीं करना टू लेट की बात। अच्छा जब अगर चलो आठ प्रत्यक्ष भी हो गए तो टू लेट का बोर्ड आठ के लिए ही तो लगा। जैसे संघ 76 में टू लेट का बोर्ड कितने के लिए था? दो के लिए था, लक्ष्मी नारायण के लिए था। वो प्रत्यक्ष हो गए तो फिर तीन के लिए शुरू हुई बात। तीन मूर्ति, शिव बाबा अकेला नहीं आता है, किसके साथ आता है? तीन मूर्तियों के साथ आता है। 33 करोड़ में तीन देवता हैं, बड़े माने जाते हैं, तो तीन कौन? तो ये नहीं कहेंगे कि 76 में उन तीन आत्माओं के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। लग गया नहीं लगा? अच्छा तीनों भी प्रत्यक्ष हो गए, हो गए कि नहीं? तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गई कि नहीं? हो गई। कि अमुक मूर्ति ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा, अमुक मूर्ति विष्णु, अमुक मूर्ति शंकर, तो तीन के लिए ही तो बोर्ड लगा टू लेट का, कि सबके लिए लग गया, सारी माला के लिए नहीं। तो आठ आते हैं फिर। अब आठ में भी अव्यक्तवाणी में तो बाबा ने बोला लेट का बोर्ड लगा है। क्या अभी कौन सा बोर्ड लगा है? लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। तू आगे की बात सोच रही है। कि जब पूरी स्थापना हो जाएगी तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। पूरी स्थापना माने एक पारिवारिक इकाई संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। उसके बाद दूसरे परिवार प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? ब्राह्मणों की नौ कुरियां मानी जाती हैं। कहां से शुरू होते हैं ब्राह्मण? शुरुआत कहां से होती है? ब्रह्मा से ब्राह्मणों की शुरुआत होती है। कोई पहली कुरी के ब्राह्मण, पहली पारिवारिक इकाई, कोई दूसरी कुरी के ब्राह्मण, दूसरी पारिवारिक इकाई, फिर तीसरी कुरी के ब्राह्मण, तीसरी पारिवारिक इकाई। सारी दुनिया का फाउंडेशन कहां पड़ रहा है? अभी संगम युग में पड़ रहा है। सिखों से पूछो, तुम तो 500 साल पहले तुम्हारे धर्म पिता आए, तुम तो स्वर्ग में नहीं जाते हो, तो मानेंगे? सिख ये बात मान जाएंगे कि हम स्वर्ग में नहीं थे? क्या कहेंगे वो हैं? अरे हमारे पूर्वज भी स्वर्ग में थे, हम भी स्वर्ग में जाते हैं। क्रिश्चियन से पूछो, 2000 साल पहले तुम्हारा धर्म पिता आया, क्रिश्चियन धर्म शुरू हुआ, तुम तो स्वर्ग में है, जन्नत वहां पैराडाइज में होते ही नहीं, तो मान जाएंगे वो? नहीं मानेंगे। मुसलमानों से पूछो, 2500 साल वो मुसलमानों को 1400 साल हुए मोहम्मद को आए हुए, उनसे कोई कहे कि तुम जन्नत में नहीं जाते हो, मुसलमान कोई भी जन्नत में नहीं जाता, तो इस बात को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। कहीं वाह, हम जन्नत में नहीं जाते हैं तो जन्नत जन्नत हम चिल्लाते क्यों हैं? हमने रसगुल्ला खाया है तभी तो हम रसगुल्ला रसगुल्ला चिल्ला रहे हैं, नहीं खाया होता तो हम चिल्लाते क्यों? तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इससे क्या साबित हुआ? कि हर धर्म की अच्छी अच्छी आत्माएं नई दुनिया की शुरुआत में फाउंडेशन लगाती हैं। ऐसा कोई भी आस्तिक धर्म नहीं है, भगवान को मानने वाला कोई भी आस्तिक धर्म नहीं है जो ये माने न माने कि हमारे पूर्वज जो हैं वो स्वर्ग में नहीं थे। स्वर्ग के नाम से सबके मुंह में से लार टपकती है, हम भी स्वर्ग में जाएं। तो नई दुनिया का फाउंडेशन भगवान आकर के लगाते हैं। हर धर्म का फाउंडेशन पड़ता है, हाँ
जन्नत जन्नत में फर्क जरूर होगा, कोई एकदम आदि के होंगे और कोई लास्ट के फाउंडेशन वाले होंगे। ज्यादा मजबूत कौन सा मकान का कौन सा हिस्सा होता है जो ज्यादा मजबूत होता है? अगर भूडोल भी आ जाए बड़े से बड़ा, तो कौन सा हिस्सा पहले गिरेगा, कौन सा हिस्सा बाद में गिरेगा? है जो बाद में कंस्ट्रक्ट हुआ है वो पहले गिरेगा, और जिसका फाउंडेशन पहले पहले डाला गया है वो लास्ट में गिरेगा। ये भी नई दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है। पहला फाउंडेशन कौन से वंश का लगता है? है सूर्य वंश का। वो सूर्य वंश का फाउंडेशन अभी डाला जा रहा है। और भावे संगम में जो विचार विचार जो पद डिक्लेयर होता है ना, संगम मतलब है संगम युग के अंदर ही उतार निचार जो पद डिक्लेयर होता है ना आत्मा, क्या होता है उतार निचार जो पद ऊंचा नीचे, हाँ पद डिक्लेयर होते हैं। इस तरह जो सत्युग त्रेतायुग जो आता है तो वो सत्युग त्रेतायुग में उतार निचार राजा प्रजा मतलब ये ऐसा कुछ फीलिंग होता है कि नहीं होता है आत्मा को? और सत्य इस बात को ऐसे समझना चाहिए जैसे आज के परिवार में कोई मान लो देवी देवता सनातन धर्म पूरा तो लोप नहीं हुआ, प्राय लोप हुआ ना, तो ऐसे प्राय लोप सनातन धर्म के परिवार में कोई बड़ा भाई होता है और कोई छोटा भाई होता है। छोटे भाई को सबकी बात माननी पड़ती है, सभी भाव भ्राताओं की और सभी भावजों की बात माननी पड़ती है, और बड़ा भाई सबको ऑर्डर देता है, बड़ी भावज भी सबको ऑर्डर देती है, कहती है मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, अम्मा समान हूँ। बड़ा भाई कहता है मैं तुम्हारा बाप समान हूँ। छोटा भाई उसके दिल में ये आती है बात कि जो दुकान चल रही है हमारे परिवार की वो दुकान हमारी नहीं है, भाइयों की है। उसके दिमाग में ये बात आती है, है? नहीं आती। तो पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से उसकी मेंटेलिटी इस तरह की बन चुकी, और जिस परिवार में उसने जन्म लिया है उस परिवार में जन्म लेने से भी वो मेंटेलिटी बन चुकी है कि वो अपने को दास नहीं समझता है। क्या समझता है? परिवार का, हाँ भांति समझता है। ऐसे ही संगम युग में ये मेंटेलिटी पक्की हो जाएगी अपनी अपनी सर्विस के ग्रेड्स के आधार पर। अभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, मैं ऊंचा, मेरी बात मानो, हमारा अपमान क्यों कर दिया तुमने, अभी ऊंच नीच चल रहा है, कोई अपने को नीचा मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या होगा? जो ऊंचे होंगे वो स्वीकार कर लेंगे क्या अपने पद को, और जो नीचे होंगे उससे नीचे के मणके वो भी स्वीकार कर लेंगे कि हम इतना ऊंचा पुरुषार्थ नहीं कर सकते, जितना ऊंचा पुरुषार्थ इन्होंने किया है हमारी स्टेज नीचे माना। राम के जो चार भाई हैं, रामायण में जिनका वर्णन आया हुआ है, राजगद्दी की सीनरी दिखाते हैं, तो राम गद्दी पर बैठे हुए हैं, सीता उनके साथ बैठी हुई है, लक्ष्मण छाता लिए खड़े हैं, शत्रुघ्न पांव धो रहे हैं, भरत चंवर डला रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, वो अपने को दास दासी समझते हैं? काम तो दास दासी की कर रहे हैं, फिर समझते क्यों नहीं? तो ऐसे ही अभी के कर्मों के आधार पर वो तीनों भाई जो दास दासी के रूप में दिखाए गए हैं,
दासी कर्म तो कर रहे हैं, दास कर्म नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। तो उन्होंने ये स्मृति उनकी पक्की हो जाएगी। अभी संगम युग में ये स्मृति पक्की हो रही है कि सन 76 में हमने सबसे पहले भाई को पहचाना। किसको भाई को? जो देवी देवता सनातन धर्म का बीज है, हमने पहचाना। हम बड़े भाइयों के रूप में प्रत्यक्ष हुए, ब्राह्मण परिवार के सामने हमारा नाम भी प्रत्यक्ष हो गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ब्रह्मा के चार पुत्रों के रूप में, संत सनातन सनंदन सनत कुमार के रूप में ब्राह्मणों ने हमको पहचान लिया। फिर हमारे कर्म जो तीन धर्मों के बीज हैं, इस्लाम धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज और बौद्ध धर्म का बीज, वो अपने कर्मों को बार बार याद करेंगे, हमने ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसे ऐसे विरोध किया। उस विरोधाभास के कारण हमारा पद इतना क्या हुआ? नीचा। ये संस्कारों में पक्का हो जाएगा। उस समय सारी दुनिया के सामने उन्हें चावल डलाते कोई लज्जा नहीं आएगी, पांव धोते हुए पांव पखारते हुए कोई लज्जा नहीं आएगी, छत्र उठाते हुए कोई लज्जा आएगी क्या? आएगी नहीं आएगी? तो वो करने का उनको पहला अधिकार मिलेगा ना? है जो समर्थ डालेंगे, जो अधिकार है उनको मिला जाएगा पहले। दास 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 दासी कर्म को अधिकार बड़ा अच्छा होता है। अच्छा तो नहीं, फिर पहले पहचाना। तुम उसको, तुम उसी को श्रेष्ठ समझते हो? नहीं, श्रेष्ठ नहीं समझ रहे ना। तो क्यों ऐसी बात करते हो? तो बड़े भाई के आस पास में रह करके अब समझ में आ गया ना कि वहाँ ऊंच नीचे नहीं होगा। ये मेंटेलिटी है समझने की न समझने की। वहां जो दास दासी होंगे वो भी यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे वो जो राजा है वो उनको ये नहीं समझेगा कि ये हमारे दास दासी है, क्या समझेगा? ये मेरे बच्चे हैं, मेरे नाम ही है। नाम क्या है? प्र जा, जा माने जन्म लेने वाला, प्र माने प्रकष्ट रूप से जिसने जन्म लिया है वो प्रजा अर्थात बच्चा। जन्म किस, जन्म लेने वाला क्या कहा जाता है? अरे किसी ने हमसे जन्म लिया वो हमारा क्या कहा जाएगा? बच्चा। तो बच्चा माने प्रजा। पहले जो राजाएं होते थे अपनी प्रजा को किस रूप में पालना देते थे? हैं, दास दासी के रूप में, बच्चे के रूप में। तो जो पहली सृष्टि होगी, पहला जो पीढ़ी होगी नई दुनिया की, वो ऐसी होगी प्रजावत्सल। जो लक्ष्मी नारायण होंगे वो अपनी प्रजा को बच्चों के समान पालना करेंगे। आज के मंत्री कैसे हैं? आज के राष्ट्रपति कैसे हैं? अपने बच्चों के लिए पहले कमा कमा के विश्व बैंक में जमा करते हैं या जनरल पब्लिक के लिए जमा करते हैं? अपने बच्चों के लिए कमा कमा के पहले रखते हैं, देश का सत्यानाश कर देते हैं। तो इनको यथा राजा तथा प्रजा कहेंगे? ये थोड़ा ही यथा राजा तथा प्रजा है। सृष्टि के आदि में यथा राजा तथा प्रजा थी। तो ये कोई वहां बुद्धि में ही नहीं आएगा किसी की कि हम दास दासी हैं। उनकी मेंटेलिटी यहां तैयार हो रही है, वो अपने को बच्चा ही समझेंगे। और बाबा अभी तो रावण का ही बच्चा था ना बाबा? सीता, रावण, रावण सीता को भी तो जन्म रावण ने दिया था ना, रावण का बच्चा है ना सीता भी। हाँ, ये बात सही। सीता का पार्ट बजाने वाली आत्मा इस समय कौन है? सीता रूप से पार्ट बजाने वाली, सीता का पार्ट बजाने वाली आत्मा इस समय कौन है जिसको रावण ले गया था? सीताएं भी दो थीं। एक सीता को कहा तुम पावक में करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नाशा। जो पहले नंबर की सीता है उसको तो कह दिया तुम योगाग्नि में बैठ जाओ। क्या सन 76 से पहले से ही वो योगाग्नि में बैठ गई? तुम बैठो योगाग्नि में, तब तक हम निशाचरों का नाश करते हैं। सन 76 से बाण छोड़ना शुरू कर दिए
कौन से बाण? ज्ञान बाण छोड़ना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही छोड़ना शुरू कर दिए या रावण ने पहल की? रावण ने पहल करना शुरू कर दी सीता को चुराने की। अगर रावण दुश्मनी न करता तो बाण छोड़ने की जरूरत थी नहीं। तो दूसरे नंबर की सीता है जिसको रावण ले गया। क्यों ले गया वो भी बता दिया। श्रीमती की लीका का उल्लंघन किया तो क्या करेगा रावण? उठा के ले जाएगा। तो ले गया। वो सीता को जन्म किसने दिया था? किसने दिया था? रावण ने जन्म दिया था। और द्रौपदी ने जब राम का साथ सामान्य किया था ना बाबा, वो तो अनजान में किया था ना बाबा। उसने तो जानबूझ के राम के साथ कुछ सामान्य नहीं किया ना। किसने? द्रौपदी ने सामान्य किया था ना बाप के सामने, बांधे सौंप को घायल कर दिया। राम को मात्र घायल नहीं करना चाहता। अभी राम को बाप को जो नहीं पहचानते हैं वो ही विरोध करते हैं या पहचानने वाले विरोध करते हैं? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में वो लवकुश बैठे हुए हैं कि नहीं? लवकुश जी तो हमारी बात बताओ, वो लवकुश ब्राह्मण अभी की बात है या त्रेता युग की बात है? अभी का बात है। तो अभी इस समय वो लवकुश जो हैं वो ब्राह्मणों के रूप में इस ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? बैठे हैं। तो जो बैठने वाले लवकुश हैं वो विरोध कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? विरोध कर रहे होंगे राम का। क्यों विरोध कर रहे होंगे? क्योंकि वो पहचानते पहचानते हैं ही नहीं। उन्हीं का नाम रखा गया है भरत और शत्रुघ्न, कोई दूसरे थोड़ा ही है। वो आदि से ही विरोध कर रहे हैं और अंत तक विरोध करते रहेंगे। वो विरोध करने के कारण ही वो देव तो बनते हैं, लेकिन कैसे देवता बनते हैं? नष्ट देव। क्या? अष्ट देव में नहीं बनते हैं वो। पालना करने वाले स्थापना करने वाले ब्राह्मण नहीं है। कैसे ब्राह्मण है? नष्ट करने वाले ब्राह्मण। अपने कुल का ही क्या कर देते हैं? संहार कर देते हैं। उनको कौन सा संप्रदाय कहा जाता है? यादव संप्रदाय। यादव संप्रदाय ने क्या किया? अपने कुल का ही संहार कर दिया। तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछती है। ये कहा ना रामायण में लव कुछ ऐसा है कि जी सबको घायल कर देता है, सिर्फ राम को मात्र घायल नहीं कर सकता है। ऐसा गाना सुनाता है कि सबको रुला देता है, सिर्फ राम ही नहीं रोता है। जो ज्ञानी होता है वो रोता है, अज्ञानी रोता है? अज्ञानी रोता है। तो राम तो ज्ञान सागर कहा जाता है, वो क्यों रोएगा? वो नहीं रोता है। बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को हाथ में लो, गोद में लो, तो कहीं नाक पकड़ेगा, कहीं हाथ वो बाल पकड़ेगा, कहीं कान पकड़ेगा। तो जो बाप है वो बाप खुश होता है या रोना शुरू कर देता है? मेरे कान काट डाले, मेरे हाथ काट डाले, ऐसे करता है क्या? नहीं काट रहा है। तो ऐसे ही राम बाप है ना, वो क्यों रोएगा? और उसके ऊपर कोई बच्चा थोड़े ही हमला करता है, उसका अज्ञान हमला करता है। भूत हमला करता है, सब सेना को भी घायल कर देता है। खूब मंथन चिंतन तेरा बढ़िया चलता है। ऐसा बात होता है। हाँ, और वो पता है जब बाप का प्रत्यक्ष होगा, बोलते है ना, कोई कहता है खून से प्रत्यक्ष होगा, कोई कहता है हाई कोर्ट में जाके प्रत्यक्ष होगा। कैसे? कोई बाबा किसी में तो नहीं सुना, लेकिन भाई लोग है ना उमसान दिखा, उसे कहता है कोई कहता है खून से प्रत्यक्ष होगा। खून से? कोई कहता है जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब सबको पता चलेगा। कोई क्या कहता है, क्या कहता है, लेकिन असली बात तो बाप सुना भी नहीं है। असली बात किसी को सुना ही नहीं, बाबा ने तो बता दिया। बाप का प्रत्यक्ष किस आधार पे होता है, उस बात
लेकिन बाबा ने तो मुरली में बता दिया किस आधार पे प्रत्यक्ष होगा। बाबा ने बता दिया तुम बच्चों की जो अव्यक्त स्टेज बनेगी वो अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष कर देगी। जितनी जितनी तुम्हारी अव्यक्त स्टेज बनती जाएगी उतना उतना बाप संसार में प्रत्यक्ष होता जाएगा। मान लो 16,000 की माला है, कितने बच्चे हैं राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले? 16,108 हैं। अगर 16,108 की अव्यक्त स्टेज बन गई महात्मा बुद्ध की तरह, क्राइस्ट की तरह, गुरु नानक की तरह, अगर ऐसी स्टेज बन गई तो समझो सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो तू कर सकती है अभी बाबा, आप नहीं कर सकते पीछे, बाप अपने ही सबको कराते का बुलाए थे। बाप अपने को ही क्या? बाप ही करा सकते, बाकी बाप कर सकते पीछे, अपना आप ही सब काम हो जाएगा। माने पीछे अपना आप ही हो जाएगा। अभी अपने आप पढ़ना तो बहुत मुश्किल है ना बाबा। अच्छा, वो कह रही है कि अपने आप करना तो मुश्किल है, पहले हमारे सामने सैंपल तो आ जाए। जब सैंपल आ जाएगा तो हम भी कर लेंगे। बहुत होशियार है। और पीछे बाबा का गिलानी हो जाएगा तो सब एक मैच पार्टी सब बाबा के बच्चे को तो यहाँ से खेला देगा तो सब खा जाएगा। क्या 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 बोले? बाबा का गिलानी हो जाएगा तो सब बच्चे को यहाँ से भगा देगा तो ये बच्चे कहाँ जाएगा? तभी के लिए तो बाबा ने बोला है कि सब बच्चों को ट्रंक का लावेगा। चलो एक ही ट्रेन चलेगी, दूसरी ट्रेन नहीं। जो उस ट्रेन पर बैठ गया चला गया, सो चला गया, रह गया रह गया। सबके काम एक ही समय में होगा बाबा। बाबा का गिलान भी वही समय में होगा और आवाज भी वही समय में आएगा और एक ही ट्रेन भी वही समय में चलेगा। इसका मतलब सभी काम एक ही समय में होगा ना। सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही, तो एक ही ट्रेन पर पहली ट्रेन पर जो चढ़ गए सो बच गए, पहुंच गए, और जो नहीं चढ़ पाए दूसरी ट्रेन में वो ट्रेन की ट्रेन काट डाली गई। हुआ कि नहीं ऐसा? हुआ था। वो ट्रेन चारों ओर से चली थी, एक एक ट्रेन एक एक ट्रेन, ये एक ही ट्रेन की बात थी। ट्रेन तो तैयार हो रही ना नेपाल में, नेपाल में भी ट्रेन आएगी। पहले तो ट्रेन नहीं थी नेपाल में, अब तो ट्रेन चल गई। और तो सब प्रसन्न चित हो गए बाबा। प्रसन्न चित होने से तो प्रसन्न चित होना अच्छा है ना बाबा। सब प्रसन्न चित होने लगे अभी तो दीदी। प्रसन्न चित हो गए होने लगे बाबा थोड़े थोड़े करके। अब बुद्धि राम तो प्रसन्न चित नहीं, वो तो सर नीचे करके बैठा हुआ है। तुम उसको देखा ही नहीं तुमने? नहीं बाबा, धीरे धीरे हो जाएगा ना। हम लोग भी सब प्रसन्न चित हो जाएगा, पीछे जाके तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, बान पछती होना। अच्छा, अगली बार आएंगे तो कोई प्रसन्न नहीं रहेगा? फिर शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि राम जो है वो रावण के सर काटता जाता था, एक बाण मारा सर कट गया, फिर क्या होता था? लेकिन जब रावण का नाभि में लगा था ना बाबा, तब तो रावण तो मर जाता है। और नाभि तो कपड़े से ढक के रखता है ना, नाभि में कैसे लगेगा, दिखाई नहीं पड़ती है। और बाबा जब हम लोग वहाँ जाएगा ना, तो जाएगा तो फिर वहाँ से फिर अपना अपना ठाव भेजा देगा, वहाँ से फिर अपना अपना एक ट्रेन चलेगी तो जाएगी, हम वहाँ माउंट आबू में बैठेंगे, फिर वहाँ से फिर आना पड़ेगा अपना अपना जगह। कहाँ जाएंगे? जब एक ट्रेन चलेगा तो हम वहाँ जाएंगे ना बाबा के घर में। यहाँ तो हम ले ही नहीं सकेगा, बहुत गिलानी होगा। तो बाबा के घर में तो सब कुछ जाना ही पड़ेगा। अभी खुशी खुशी नहीं जाने, बाद में मजबूर से जाना पड़ेगा।
तो फिर वहाँ से जाके बैठे गए और फिर बाबा का पतक होने से तो अपना अपना घर में आना पड़ेगा ना सेवा करने के लिए। बाबा भेजा देगा अपना आप जिस ठाव में जन्म लिया उसी ठाव में भेजा देगा, ऐसा ऐसा बात बाबा सुना था। वो तो दूसरे धर्म वालों की बात है, अभी तो बताया जो देवी देवता सनातन धर्म का पहला छेड़ा है सूर्यवंश, वो तो पहले पहले स्थापन हो जाएगा ना। तो स्थापना हो गई फिर सेवा की जरूरत है, फिर तो ऑटोमेटिक सेवा होती रहेगी। वो एक परिवार संगठित हो गया, यूनिटी बन गई, तो यूनिटी से उस प्योरिटी को देखते हुए स्वतः ही जो फॉलोअर्स हैं प्रजा वर्ग है वो स्वतः ही खींच करके इकट्ठा हो जाएगा। उनको उनकी सेवा करने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो संदेश देना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, फिर सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। इसके लिए जो परिवार तैयार हो गया उनकी बात है, फिर सेवा करने कौन जाएंगे? जो और धर्म के परिवार तैयार होंगे उनको सेवा करने के लिए इधर उधर भेजा जाएगा। एक जगह बैठे नहीं रहेंगे उस समय, इसलिए बाबा कहते हैं कि बादल भरे और फिर जाकर के बरसे। तैयार होगा तो आराम से मतलब याद में बैठे रहेंगे ना, और धर्म उनकी ऑटोमेटिक सेवा होगी। राजा को और राज परिवार को भागदौड़ के सेवा करनी पड़ती है कि राजा ही तैयार हो गई, राजधानी स्थापन हो गई, तो राजधानी में बैठे बैठे ऑटोमेटिक सेवा होती है। क्या होता है? ऑटोमेटिक सेवा होती है, सेवा लेने वाले खुद आते हैं। और धर्मों का जो फाउंडेशन पड़ेगा उसमें फिर यही तरीका चलेगा जैसे अभी सूर्यवंशियों का चल रहा है। बाबा ने बोला था ना, एक माला की बात नहीं, ढेर मालाएं तैयार कर देंगे। ऐसे नहीं एक ही माला तैयार होगी 108 की, नहीं, और मालाएं भी बनेंगी। तो कौन सी मालाएं बनेंगी? क्या इस्लाम धर्म वालों की माला नहीं होती है? उसमें क्या 108 ही मड़के होते हैं? नहीं, उनकी माला अलग तरीके की। सिखों की माला अलग तरीके की, उनका स्थानीय अलग अलग दिखाई पड़ेगा या ऐसा ग्रुप अलग अलग दिखाई पड़ेगा? आठ बादशाहियां अलग अलग दिखाई पड़ेंगी, वो भी होगा। आठ धर्म दुनिया में अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं? तो उनका उनकी शूटिंग कहाँ होगी, रिहर्सल कहाँ होगी? आठ धर्म खंड दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दुनिया में? अरे इस्लामी धर्म खंड कोई खास है या नहीं दुनिया में? है बौद्ध धर्म खंड खास है या नहीं? है सिख धर्म खंड खास दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? है तो ऐसे ही आठ धर्म खंड ब्राह्मणों की दुनिया में भी दिखाई पड़ेंगे। लास्ट में फिर सब मिलकर के एक हो जाएंगे। अरे मूल तो नेपाल में बैठी हुई है सारी हिस्ट्री। कितने राजाएं थे नेपाल में पहले? ढेर के ढेर राजाएं थे। फिर क्या हुआ? फिर एक निकला पृथ्वी, क्या नाम? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, पृथ्वीनारायण। हाँ, उसने सबको इकट्ठा इकट्ठा कर दिया। बीटा में एक राजा था, दुराबाद में दूसरा राजा था, इटावटा में भी राजा था, कोसा था, पहले तो नेपाल में एक एक जगह में एक एक राजा था। और पृथ्वीनारायण शाह ने सबको युद्ध में जीत कर एक हुआ। उनके अलग अलग किलाएं किले थे, अलग अलग किले भी थे। और नेपाल तो प्राकृतिक का
सुंदरता देश के आता है। हाँ, देश का लोग भी प्रकृति को देख के आता है नेपाल घूमने के लिए। प्रकृति का सतो प्रधान प्रकृति का पहला पहला और ऊंचे से ऊंचा सुख कौन से धर्म वाले भोगेंगे पहले? है देवी देवता सनातन धर्म वाले पहले भोगेंगे। जो सूर्यवंशी होंगे वो प्रकृति का पहला पहला सुख भोगेंगे या लास्ट समय का तमो प्रधान सुख भोगेंगे? है पहले वाला वो भोगेंगे। अभी कौन से धर्म वालों की गवर्नमेंट चल रही है इंडिया में? है आर्य समाजियों की। आर्य समाजी जो किसी धर्म को नहीं मानते, क्योंकि आर्य समाजी ऐसे धर्म वाली आत्माएं हैं जो सब धर्मों में चक्कर काटते काटते सब धर्मों को ग्रहण करते छोड़ते ग्रहण करते छोड़ते लास्ट में आकर के हिंदू बने हैं। वो सबको आवाहन करते रहते हैं कि तुम आकर के हिंदू बनो, नहीं तो हिंदुओं ने जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए कभी अपने में स्वीकार नहीं किया। ये आर्य समाज क्या करते हैं? क्रिश्चियन हो तो भी उसको हिंदू बना लेंगे, मुसलमान हो तो भी उसको हिंदू बना लेंगे, कोई भी धर्म वाला हो हिंदू बना लेंगे। और कौन सी समाजी है? वो धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं है। किसी धर्म की अपेक्षा है उनको? नहीं। कोई धर्म की अपेक्षा नहीं। कोई भी धर्म हो तो मानो मानो न मानो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको वोट देते रहो बस। तो वो धर्म को मानते ही नहीं। बाबा कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म में ही ताकत है। तो इनकी गवर्नमेंट में ताकत है, कहीं दंगा फसाद होता है रोक पाते हैं? बिल्कुल नहीं रोक पाते। अनाचार अत्याचार होता रहता है, अत्याचारी अत्याचार करते रहते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाती। बाबा कहते हैं ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य, इसमें कोई ताकत नहीं है, क्योंकि धर्म को नहीं मानते, अधर्मी हो गए। सबसे ज्यादा अधर्मी कौन से देश में बन गए? अब नेपाल में। और ये उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, हाँ? ये मतलब सत्युग की शुरुआत में रहेगा क्या बाबा? द्वापर युग को भूल गए? द्वापर के आदि में जो आधा विनाश हुआ था वो भूल गए? उस समय कुछ परिवर्तन हुआ पृथ्वी में या नहीं हुआ? हुआ, हुआ? उस समय आधा परिवर्तन हुआ, आधे विस्फोट हुए, आधे भूकंप हुए, और अभी क्या होना है? पूरे ही भूकंप होने हैं। भूकंप में माउंट एवरेस्ट नहीं रहेगा? ये एवरेस्ट जो है एवर ईस्ट, ये जो पूर्वी सभ्यता का ऊंचे से ऊंची चोटी कही जाती है वो किसकी यादगार है? सूर्यवंशियों की यादगार है। ये ईशान कोण की यादगार है। भारत की कौन सी दिशा में एवरेस्ट चोटी है? ना एकदम उत्तर में नहीं है, ईशान कोण में है। उत्तर और पूर्व के कोने में है। ईशान कोण में ईश्वर अष्टदेव दिखाया जाता है। अष्टदेवों में से जो बड़े से बड़ा देवता है जिसे मुसलमान लोग कहते हैं आठ वरिष्ठों में से जबराइल, बहुत जबरदस्त फरिश्ता माना जाता है मुसलमानों का। वो देवताओं को नहीं मानते, किसको मानते हैं? हैं? हाँ, वो फरिश्तों को मानते हैं।
मुसलमानों में क्रिश्चियंस में देवताओं की पूजा नहीं होती। भारतवर्ष में देवताओं की मान्यता है, देवताओं की पूजा होती है। भारतवर्ष में भूत प्रेतों को अच्छा पूजना नहीं मानते। ये भूत पूजा आई है विदेशों से, जब से मुसलमान आए हैं तब से हिंदुस्तानियों ने भी भूत प्रेतों को पूजना शुरू कर दिया। पहले देवी देवताओं की यह मान्यता थी। तो भूत प्रेतों में ही एक श्रेष्ठ योनि मानी जाती है फरिश्तों की। उन फरिश्तों में सबसे बड़ा फरिश्ता जब्राइल माना जाता है। देवी देवता सनातन धर्म वालों में उनका नाम देते हैं महादेव। देवताओं में जबरदस्त देवता, उसको ईशान कोण में दिखाया है, जहां से पहले पहले प्रत्यक्षता होती है। सूर्य कहां से निकलता है? ईशान नहीं, पूरब से नहीं निकलता। पूरब में भी जो पूरब है, क्या पूरब कहेंगे? जैसे ये पूरब है, है? तो पूरब इधर से इधर तक। पूरब में भी जो पूरब है उसको कहेंगे ईशान कोण, ईश्वर का देश। ईश्वर अर्थात ज्ञान सूर्य का देश, तो वो भी एक धर्म खंड है। इसलिए बौद्ध लोग क्या समझते हैं, कौन से कोण में, कौन सी दिशा में बौद्धियों का धर्म खंड है? ईशान कोण में। चीन है, जापान है, बर्मा है, मलाया है, थाईलैंड है, दुनिया के ये जो ईशान कोण के देश हैं, वो सब बौद्धी धर्म खंड है। तो बौद्ध लोग ये समझते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। और राम कृष्ण जो आत्मा है ना, तो ये जो आत्मा का आपस में रूहरी अंचल जाएगी नहीं चलता सूक्ष्म रूप में है? सूक्ष्म रूप में राम कृष्ण का रूहरी अंचल जाएगी नहीं चलता आपस में है? क्यों नहीं चलेगा? बाप बच्चे हैं तो रूहरियान नहीं चलेगा? तो है तो बाप बच्चों के बीच बात मिलना चाहिए ना है? बात मिलना चाहिए ना आपस में, बात मिलना चाहिए। तमो प्रधान है कि सतो प्रधान है अभी? अरे मेल सतो प्रधानता में होता है या तमो प्रधानता में होता है? सतो प्रधानता में मेल हो जाता है, और तमो प्रधानता में बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है। और ब्रह्मा कुमारियों को संभालने का जिम्मेदारी ब्रह्मा की आत्मा भी समझता होगा ना कुछ? ब्रह्मा कुमारियों को जो ब्रह्मा कुमारी का जो संसार है ना, ग्रुप है, तो उनको संभालने का देखने का अपने को कुछ जिम्मेदारी समझता होगा ना कृष्ण को? कृष्ण के सब हाँ तो जाते हैं ना संभालने के लिए। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जहाँ बेसिक नॉलेज पढ़ाई जा रही है, कर्ता धर्ता मूल आत्मा कौन मानी जाती है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में कर्ता धर्ता कौन है, कोई है या नहीं है? बड़े में बड़ा किसको मानते हैं? ब्रह्मा को मानते हैं। तो जिसको बड़ा मानेंगे वो संभाल नहीं करेगा? तो संभालना कल्याण है ना फिर? है संभालना हो रहा है तो कल्याण ही हो रहा है ना? कल्याण है तो कल्याण हो रहा है, तो तुम जाकर के बैठना चाहिए ना कल्याणकारियों के पास। तुम डरते क्यों हो? कल्याण की जगह पर नहीं बैठते, अकल्याण की जगह पर आके बैठ जाते हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि वहाँ कल्याण के बीच में बैठना चाहिए ना। कल्याणम भवतु, पूरा ही कल्याण कर देंगे। इस सृष्टि में बिच्छू का होना कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? कल्याणकारी है बाबा।
कल्याणकारी है, अकल्याणकारी है, बिच्छू तो काटता है। दो दो बातें कर देती है। देखो मेरे तो अकल्याणकारी है बोला ना, अकल्याणकारी बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, बुद्धिराम क्या कहते हैं? वहाँ तो फिर कल्याणकारी को इस दुनिया में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो सतयुग में रहेंगे ये? सतयुगी नई दुनिया में जो बाप को न पहचानने वाले हैं, जहाँ कृष्ण जन्म लेगा उस पीढ़ी में ये रहेंगी आत्माएं? सतयुग की साधना करने का आधा हिस्सा तो वैष्णविक रूप का उधर ही है ना। हम उनकी बात नहीं कर रहे, वैष्णवी ग्रुप के दिल में क्या है और बाहर क्या है वो तुम्हें पता है? वो तो आप ही बता रहे हैं। तुमको पता नहीं है? तुम अंदर देखते हो, अंदर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, बाहर देखना ज्यादा पसंद करते हैं? जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा, वो ज्यादा खौफनाक खतरनाक होता है। लेकिन पहले हाँ, इसलिए अंदर भी यह कल्याणकारी और बाहर भी यह कल्याणकारी। ऐसा ग्रुप है या नहीं है? और वो 90% वहाँ ऐसा ग्रुप है। ऐसे तो दुनिया में नास्तिक हैं, वो नास्तिक भी सब एक जैसे नास्तिक होते हैं या कुछ अच्छे भी होते हैं? उसमें भी अच्छे होते हैं। टोटली ये कहेंगे नास्तिक होना अच्छी बात नहीं है। माना नास्तिकों में भी 10% अच्छे होते हैं और 90% बेकार होते हैं। ऐसे ही वो बीकेज में भी जो अपने को बीकेज कहते हैं, पीबीकेज कहना पसंद नहीं करते हैं, उनमें भी 10% ही अच्छे हैं। उनके लिए बाबा ने बोला है आवाहन करो, वो पिस रहे हैं वहां, दुखी हो रहे हैं, अपरम अपार दुखों में जी रहे हैं, जीना नहीं चाहते वहां, लेकिन जीना पड़ता है, इसलिए उनका आवाहन करो। बाकी तो बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे। बाबा, विश्व में नेपाल देश क्यों रह गया? नेपाल का सूर्य चंद्रमा का झंडा क्यों हुआ? और नेपाल का राजा का विष्णु अवतार क्यों हुआ? ये भक्ति मार्ग में मान्यता है, नेपाल का राजा 500 साल पहले विष्णु था, ये कोई मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि विष्णु का राज्य तो ऐसी दुनिया में होना चाहिए जहां नो विष एटाल, विष का नाम निशान नहीं होता। 500 साल पहले विष था या नहीं था? था। तो वो सिर्फ भक्ति मार्ग वाले मानते हैं कि 500 साल पहले जो राजा था नेपाल में वो विष्णु था, वो यादगार है, यादगार दिखाई गई है संगम युग की। इस संगम युग में जो असली राजा है विष्णु बनने वाला, नरसिंह नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाला, वो ऊंची स्टेज में रहने वाला है। सारी दुनिया में ऐसी ऊंची स्टेज में रहने वाली राजाई और किसी की नहीं होती। जिस राजाई के ऊपर कोई विदेशी ने कभी आक्रमण नहीं कर पाया और जीत नहीं पाया। नेता लोग बोलते हैं फिर राजा आएंगे नेपाल में एक बार, है नेता लोग बोलते हैं, फिर प्रजा लोग भी बोलते हैं एक बार राजा चाहिए, विष्णु अवतार चाहिए। हाँ तो वो कहाँ की बात है,
अभी चल रहा है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ये फाउंडेशन पड़ रहा है। बाबा ये जो ये बड़े बड़े हिटलर नेपोलियन बना पा है, ये हिटलर नेपोलियन अलेक्जेंडर, हाँ जी, वो विश्व के बादशाह लेने के कई कोशिश करे फिर भी उससे सफलता नहीं हुई है। ताकि बेहद में यहाँ अभी किसके तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में रमेश ने सारे सेंटर्स को अपनी मुट्ठी में लेके रखा हुआ है, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाया हुआ है, सभी सेंटरों को उसमें समाहित कर दिया, उनकी सारी कंट्रोलिंग उसके हाथ में है, जब चाहे बेचे उस बिल्डिंग को और जब चाहे तब तक रखे। तो ये विश्व की बादशाही लेने का उपक्रम नहीं है। ऐसे ही जगदीश भाई हुए थे, ऐसे ही ब्रजमोहन भाई हैं। नया नंगल में जब सेंटर चल रहा था, बढ़िया फर्स्ट क्लास सेंटर बड़ा सा चल रहा था, इम्प्योरिटी से होता है विनाश, इम्प्योरिटी इतनी बढ़ी कि वहां का सेंटर ही उखड़ गया, सर पर पांव रख के भागे ब्रह्मा कुमार कुमारी, वहां के रहने वालों ने उनको जीने नहीं दिया, भगा दिया। इनके पास पैसे ज्यादा थे, इन्होंने दीदी दादियों के सामने प्रपोजल रख दिया कि दिल्ली में बड़ा मकान लेना हो, सेंट्रल प्लेस बनाना हो तो हम पूरा पैसा देंगे, शर्त यह है कि हमको मुखिया बनाया जाए। आज मुखिया बने बैठे, कैसे मुखिया, अखबार छपा रहे हैं प्योरिटी, उसके मुखिया हैं। ये नास्तिक धर्म बढ़ रहा है कि आस्तिक धर्म बढ़ रहा है, फिर ये विश्व की बादशाही लेने का उपक्रम नहीं है कि जहां राजधानी स्थापन होनी है वहां के मुखिया बनकर के हम बैठ जाएं। वो एडवांस की दुनिया में भी कोशिश करेगा, एडवांस की दुनिया में तो और बीज रूप बाप है, उसके ऊपर भी ऐसा कोई कोशिश कर रहा होगा ना बाबा फिर। ये तो बाप भी तो रमतू रमजबाज है, है? और जानबूझ के जब अपने को गुप्त कर देगा तब ये प्रत्यक्ष होना शुरू कर देंगे। गुप्त होना मतलब अंत समय का इशारा है, मौका है ना विश्व की बात सही लेने का। नहीं तो बच्चे कहेंगे लो अपने को प्रत्यक्ष करके बैठ गए, दूसरों को तो मौका ही नहीं मिला, तो मौका मिलना चाहिए ना। लेकिन जो मौका मिले उसमें अपने को कंट्रोल भी तो करना है, कौन सी कंट्रोलिंग, आत्मिक स्थिति में रहने की कंट्रोलिंग। ऐसा ना हो कि देवभान आए और बस दूसरों के ऊपर अत्याचार करना शुरू, जोर जबरदस्ती करना शुरू, हिंसा करना शुरू, कोई भी तरह की हिंसा शुरू होती है तो डबल हिंसा तक पहुंच जाती है, व्यभिचार फैल जाता है। और किसी चीज का जब भूत अति हो जाता है ना तो उसका अंत भी होता है ना। हाँ, तो हिंसा का जब अति हो जाएगी तो उसका अंत हो जाएगा ना, शांत हो जाएगा, अच्छी बात है ना। तो बिच्छू टिंडन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अरे फिर अंत कौन करेगा, अति कौन करेगा, जो बिच्छू टिंडन होंगे वो अति भी करेंगे। अरे ये दुनिया राक्षसों की भी बनी है और देवताओं की भी बनी है, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है, ये राक्षस काय के लिए बना दिए दुनिया में और सबको दुख देते रहते हैं, ये दुनिया में जानवर क्यों बना दिए हिंसक, ये
ये बिच्छू सर पर बिच्छू टिंडन क्यों बना दिए? यादगार? अरे ये भी जरूरी है, ये अगर नहीं होंगे तो अति नहीं होगी, और अति नहीं होगी तो अंत नहीं होगा, दुख की दुनिया का अंत भी नहीं होगा। इसलिए असुर बाद में होने चाहिए या पहले होने चाहिए दुनिया में? अति करने के लिए अंत में होने चाहिए या पहले होने चाहिए? अंत में होना चाहिए। अंत में होते हैं तो अंत में ही है, तो हिसाब से दुनिया बनी हुई है। दुनिया का नाटक कल्याणकारी हुआ या कल्याणकारी हुआ? है कल्याणकारी हुआ, वही तो बुद्धिराम कह रहा है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? क्या है समय के हिसाब से वो भी कल्याणकारी है। जास्ती क्रोध करने से तो विनाश हो जाएगा बाबा, क्रोध विनाश करेगा ना बाबा? जास्ती क्रोध करने से तो विनाश हो जाएगा, क्रोध तो विनाश करेगा ना बाबा? क्रोध तो विनाशकारी होता है। क्या क्रोध? वो तो विनाश करता है बाबा, वो तो विनाशकारी होता है। और लास्ट में जब नास्तिक जीतेगा ना बाबा, क्रिश्चियन में भी किताब में भी दिखाए, लास्ट अंत में जब नास्तिक का राज्य आएगा ना, तब सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। हाँ, राज्य आ गया ना, एटम बम बना लिए, किसने बनाए? नास्तिकों ने बनाए। अभी तो नेपाल में भी नास्तिक का राज्य चल रहा है बाबा। हाँ, तो विदेशों का राज्य नहीं होना चाहिए बाबा? नेपाल बाबा, नेपाल में तो कितना कितना पीला अंग्रेजों लोग आया, किसी ने भी राज्य नहीं कर सका। हाँ? लेकिन अभी तो माओवादी ने राज्य कर लिया, माओवादी भी नास्तिक है बाबा, कुछ नहीं मानते, आत्मा भी नहीं मानते, परमात्मा भी नहीं मानते। फिर अगर ऐसा न होता तो भगवान बाप में आता कि अम्मा में आता? माँ में आता कि बाप में आता? ऐसा नहीं होता तो माँ में भी आने से होगा। ऐसा नहीं होने से तो माँ में अभी अभी तो मुरली में क्या बोला, माँ चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? माँ चाहिए, अगर माँ नहीं होगी तो सुधरेंगे ही नहीं। इसीलिए गौमुख चाहिए। और ओम।